इंदौर में स्वच्छता अभियान व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह की योजनाओं से शहर को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर को यातायात व ट्रैफिक मुक्त करने के लिए प्रदेश का पहला मैकेनाइज्ड टू व्हीलर पार्किंग बनकर लगभग तैयार हो गया है। इसी पार्किंग व्यवस्था का 15 अप्रैल तक शुभारंभ किया जा सकता है। इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देश का पहला मैकेनाइज्ड टू व्हीलर पार्किंग करीब एक साल की कड़ी मेहनत के बाद बनकर लगभग तैयार हो चुका है। स्मार्ट सिटी के तहत इस पार्किंग को बनाया जा रहा है। इस पार्किंग को लेकर विकास जैन का कहना है कि शहर को पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई अधिकारियों के साथ स्टार्टअप के तहत बैठक की गई थी और अब ये पार्किंग बनकर पूरी तरह से तैयार है। आने वाले 15 अप्रैल से आम जनता के उपयोग के लिए क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। उनका कहना है कि यहां कम जगह में काफी संख्या में टू व्हीलर वाहन की पार्किंग की जा सकती है। इंडिया का पहला टू व्हीलर मैकेनिकल पार्किंग है और इंदौर स्मार्ट सिटी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि पहला टू व्हीलर पार्किंग इंस्टॉल कर सकें। एक ऑप्टिमाइज करता है ट्रैफिक सिस्टम के अंदर, जो बेस्ट पार्ट है स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी है ट्रैफिक को अरेंज करना। तो ट्रैफिक में पार्किंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग, जो कि हमारा क्लाथ मार्केट है, खातीपुरा है, जेल रोड है, महारानी रोड है, वहाँ पे टू व्हीलर पार्किंग का काफ़ी क्रंच है। सो दैट इज़ द उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। कितने समय में ये तैयार हो जाएगा? इसका नॉर्मली पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हमको साल भर लगा है। अब आगे जो प्रोजेक्ट है वो 6-8 महीने में जाएंगे, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट में हमारा डिज़ाइन भी करा, हमने मशीन डिज़ाइन करी है, बट आगे जो प्रोजेक्ट है उसको 6 महीने के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये अभी कब तक काम चालू कर देगा? ये प्रोजेक्ट हमारा 15 अप्रैल को हमारा इनॉग्रेशन का हम सोचा है। सो प्रशासन की तरफ से अनुमति लेंगे और उनको एक बार हमको वैलिडेट भी करवाना होगा, गवर्नमेंट इंजीनियर्स आएंगे। ये क्या देश में पहला ये मैकेनाइज्ड? हाँ, ये देश में पहला मैकेनाइज्ड टू व्हीलर पार्किंग है। फोर व्हीलर पार्किंग काफ़ी है, बट टू व्हीलर की प्रॉब्लम हमारे देश में या किसी भी डेंसिटी वाले देश में। एक पार्किंग में करीबन 200 टू व्हीलर वाहन एक साथ पार्क किए जा सकते हैं। इस तरह की पार्किंग शहर के अलग अलग भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगाई जाएगी और पार्किंग की समस्या से निजात पाया जा सकेगा। इससे रोड पर लापरवाही से पार्किंग न करते हुए एक निश्चित स्थान पर पार्किंग की जाएगी और इसके लिए निगम की गाइडलाइन के अनुसार ही पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।